नमस्कार आदाब, मेरा नाम है सरवत। आप देख रहे हैं सेहत ललन टॉप का नया हेल्थ शो, जहां बात होती है हमारी और आपकी हेल्थ की। पहला सेगमेंट हालचाल, आज बात करेंगे माइग्रेन के बारे में। अब ये नॉर्मल सिर दर्द से कैसे अलग है और इसका क्या इलाज है। दूसरा सेगमेंट है तन की बात। आपको पता है हमें गूज बम्स यानी कि जो हमारे रोंगटे हैं वो क्यों खड़े हो जाते हैं। और तीसरा सेगमेंट खुराक यानी झकास थी हेल्थ टिप, जानिए अदरक का कमाल। वर्षिका ललन टॉप की एक व्यूअर हैं, 35 साल की हैं, बनारस की रहने वाली हैं। उनका हमें एक मेल आया, उन्होंने बताया कि पिछले एक महीने से उन्हें सिरदर्द काफ़ी था। अब एक दिन वो सुबह सोकर उठी चाय बनाने के लिए और उनकी चीख निकल गई। उनको ऐसा लगा जैसे कोई गर्म सरिया जो है उनकी आंखों के ऊपर लगा रहा है। सिर दर्द से फटने लगा, उनके आंसू तक निकल आए। कुछ समय बाद दर्द थोड़ा सा कम हुआ पर गया नहीं। उन्होंने जब डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कि उन्हें माइग्रेन है। अब माइग्रेन के बारे में हमने बहुत सुना है, हमें ये पता है कि इसमें सिर दर्द होता है, पर कई लोगों में ये दर्द बर्दाश्त के बाहर हो जाता है। अब माइग्रेन से जुड़ी जानकारी के लिए हमें और भी कई मेल्स आए हैं, तो आपका हो सर आंखों पर। तो चलिए डॉक्टर से जानते हैं कि माइग्रेन आखिर होता क्या है, आपको कैसे पता चलेगा कि आपको सिर्फ सिर दर्द हो रहा है या फिर माइग्रेन का अटैक पड़ रहा है, और सबसे जरूरी इसका इलाज। बेसिकली ये एक सिरदर्द का प्रकार है जिसकी इंटेंसिटी वेरिएबल होती है, अलग अलग होती है। यानी कि एक जान आम भाषा में बात करें तो एक तेज सिरदर्द जो कि अनबियरेबल होता है, कंट्रोल नहीं हो पाता है, जिसमें कि साथ में बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं, उसे हम बोलते हैं माइग्रेन। तो बेसिकली हम माइग्रेन को पहचाने कैसे, ज्यादातर केस में जो माइग्रेन होता है वो हम कहते हैं कि आधा सीसी कहते हैं, यानी सिर के एक पार्ट में होता है, चाहे दाएं या बाएं। लेकिन जरूरी नहीं है हर बार ऐसा हो, कई बार ये केवल आंखों के चारों तरफ हो सकता है, कई बार ये थोड़ा कान की तरफ हो सकता है, पीछे की तरफ हो सकता है, सिर के ऊपर भी हो सकता है। दर्द किस तरीके का होता है इसमें, इसमें हम बात करते हैं पल्सेटिंग एंड थ्रोबिंग पेन, यानी कि जो दर्द होता है वो अंदर से ऐसे हम कहते हैं झपझप की आवाज है, जो भी आप कहना चाहें। तो ऐसा लगता है जैसे पल्स चल रही है, नसें बहुत तेजी तेजी से फड़क रही है, या बहुत बार आपको मोटी मोटी नसें दिखाई देती है। साथ में इसमें क्या होता है कि आपकी आंखों के आगे धुंधलापन होता है, उल्टी का मन करता है, उल्टियां होती हैं, कान में सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, आपको अजीब सी बेचैनी होने लगती है, घबराहट होने लगती है और दर्द बर्दाश्त नहीं होता। तो ये एक माइग्रेन के सिम्टम्स का लक्षण है जिससे आप पहचान सकते हो कि माइग्रेन क्या होता है। अब माइग्रेन क्यों होता है दोस्तों, ज्यादातर ऐसा कहा जाता है या स्टडीज कहती है कि ये फैमिलियल होता है, यानी अगर एक परिवार में किसी को है, माँ को है तो उसकी बच्चों को होने का, या अंकल्स में बुआओं में से किसी को है तो होने का चांसेस होता है। ट्रिगर होने के कई कारण हैं। सबसे पहला कारण है बहुत तेज आवाज, जिसे कहते हैं लाउड वॉइस, लाउड स्पीकर की आवाज। सेकंड होता है फास्ट एंड फ्लिकरिंग लाइट, तेज रोशनी, जैसे कि डीजे की शादी में जो होती है डीजे की रोशनी होती है। परफ्यूम्स, बहुत तेज स्मेल होना, बहुत बार भूखा रहना। एक्सेसिव ब्लू लाइट यानी कि टीवी मोबाइल को लंबे टाइम देखना, देर रात जागना, खाना नहीं खाना समय से। दोस्तों बहुत बार ये जो पेन होता है ये कुछ समय के लिए होता है, घंटे के लिए होता है, कई दिन तक भी चल सकता है। इसका उपचार जरूरी है क्योंकि अगर मल्टीपल माइग्रेन के जो अटैक्स होते हैं जल्दी भी तो आपकी लाइफ को हैम्पर कर सकता है और उसका आसान बहुत इजीली हो जाता है। अब ये तो हुई बात माइग्रेन और उसके पीछे के कारण की, अब चलिए जानते हैं कि सिर दर्द और माइग्रेन का फर्क कैसे किया जाए और इसका इलाज क्या है। इंसान को सर दर्द होता है और हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि माइग्रेन का दर्द बाकी दूसरे प्रकार के सर दर्द से किस तरह अलग है, क्योंकि माइग्रेन की डायग्नोसिस सिर्फ लक्षणों के आधार पर की जाती है। इस बीमारी में सीटी स्कैन या एमआरआई नॉर्मल आता है। माइग्रेन के इलाज में दो चीजों का विशेष महत्व रहता है, पहला दवाई गोली और दूसरा उसकी रोकथाम। पहले मैं रोकथाम के बारे में बताना चाहूंगा। इसकी रोकथाम के लिए इंसान को हेल्दी लाइफस्टाइल का पालन करना चाहिए, जैसे खाना पीना टाइम से खाना चाहिए ना, किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए ना, तेज धूप में यदि जाना ही हो तो गॉगल कैप या अम्ब्रेला इनका इस्तेमाल करना चाहिए, और कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी करना चाहिए जैसे योग प्राणायाम एक्सरसाइज ये करना चाहिए। दूसरा जहाँ तक इलाज की बात है, माइग्रेन के इलाज में दो प्रकार की स्ट्रेटेजी रहती है डॉक्टर्स की। एक तो दर्द निवारक गोलियां, वो तब दी जाती हैं जब इंसान को सरदर्द हो, और दूसरी प्रकार की गोलियां जिनको प्रोफाइलेक्टिक ड्रग्स कहा जाता है, वो दवाइयां देने से इंसान को दर्द निवारक गोली खाने की जरूरत कम से कम पड़ती है। तो इन बातों का ध्यान रखिए और अगली बार अगर ऐसा सिरदर्द उठे तो थोड़ा सा सतर्क हो जाइए। चलिए अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ।
फर्ज कीजिए आप एक हॉरर मूवी देख रहे हैं, एक डरावना सा सीन आ गया और आपके रोंगटे खड़े हो गए। आप बाहर हैं, कहीं ठंडी हवा चली, आपके रोंगटे खड़े हो गए। किसी ने गुदगुदी कर दी तो आपके रोंगटे खड़े हो गए। कुछ इमोशनल देख रहे हैं, लो जी रोंगटे खड़े हो गए। अब ये सारी सिचुएशंस अलग अलग हैं, पर सब में एक चीज कॉमन है और वो है रोंगटे खड़े होना। तो आखिर ये रोंगटे खड़े होते क्यों हैं, कभी सोचा है? दरअसल रोंगटे खड़े होना एक फिजियोलॉजिकल फिनोमेना है, यानी कि शरीर में कहीं भी रोंगटे खड़े हों वो कंट्रोल होते हैं यहां से। अब रिसर्च के हिसाब से ये हमें मिला है हमारे पूर्वजों से। अब वक्त के साथ जिंदगी बदल गई है, इसलिए रोंगटे खड़े होना हमारे उतने काम के नहीं आते जितना उनके आते थे। इसको इंग्लिश में गूज़बम्स भी कहते हैं। इस दौरान आपके शरीर के बाल एकदम खड़े हो जाते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि आपके हर एक बाल से अटैच्ड है एक मांसपेशी, एक मसल जो कि सिकुड़ जाती है। अब जब ये मांसपेशी सिकुड़ती है तो आपकी स्किन पर एक छोटा सा गड्ढा सा बन जाता है और इसके आसपास का जो एरिया होता है वो बाहर की तरफ निकलने लगता है और स्किन पर बाल खड़े हुए दिखते हैं। ऐसा कई जानवरों में भी होता है। एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं पीलो मोटर रिफ्लेक्स। ये एक ऐसा फिनोमेना है जिसे आपकी ब्रेन कंट्रोल करती है। ये रिफ्लेक्स मूवमेंट होता है, यानी सोचा समझा हुआ नहीं, अपने आप होता है। ऐसी सिचुएशन में जिन्हें हम फाइट या फ्लाइट कहते हैं, यानी वो सिचुएशंस जहां खुद को बचाने के लिए या तो लड़ लो या फिर भाग लो। अब ऐसी सिचुएशन में आपकी बॉडी में एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है और ये हार्मोन जब रिलीज होता है तब आपके रोंगटे भी खड़े होते हैं। अब इसीलिए नॉर्मल सिचुएशन में आपको गूज़बम्स नहीं होते, समझे? अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक, एक झकास सी हेल्थ टिप। मेरी आदत थी कि जरा सी भी अदरक मुंह में आ जाए तो मैं उसको निकाल करके अलग रख देती थी, एकदम पसंद नहीं थी। पर फिर मुझे एक बार जबरदस्त ठंड लग गई, छींक छींक की हालत खराब। ये बारिश का मौसम ही था तब भी। तब मम्मी ने अदरक वाली चाय पिलाई, ओहो जो गले को सुकून मिला है। उस दिन से अदरक से प्यार हो गया मुझे। दरअसल अदरक में गजब के न्यूट्रिएंट्स भरे होते हैं और साथ ही एंटीऑक्सीडेंट्स भी, जो आपको बचाते हैं वायरस से। ये वायरस ना बड़े बदतमीज होते हैं, इनकी वजह से ही आपको खांसी और ठंड लगती है। यहाँ तक कि आयुर्वेद में भी अदरक को एक काफी ताकतवर दवाई की तरह देखा जाता है। ज्यादातर लोग इसे वेट लॉस के दौरान खाने में या फिर चाय में इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये आपके हाजमे के लिए बहुत अच्छी है। पर अदरक सिर्फ वेट लॉस के लिए नहीं है, ब्लड शुगर कंट्रोल करने में, कोलेस्ट्रॉल कम करने में, बदहजमी भी ठीक करने में बहुत फायदेमंद है। अदरक का इस्तेमाल आप फ्रेश कर सकते हैं, जैसे कि खाने में चॉप करके डाल सकते हैं, उसका पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं खाना बनाते समय, अदरक का जूस या ऑयल भी यूज कर सकते हैं, कुछ नहीं तो जिंजर टी पी सकते हैं, वो भी फायदेमंद है। मतलब कैसे भी, पर अदरक को अपनी डाइट का हिस्सा जरूर बनाइए। तो आज सेहत में इतना ही। अच्छा, अगर आप एक डॉक्टर हैं और हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल जरूर भेज दीजिए। अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, अपना फोन नंबर जरूर उस मेल में मेंशन कर दीजिएगा। अगर ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। कैमरे के पीछे हमारे साथ है अमितेश, थैंक यू।